हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए हम हुंडई जो एक्सटर है आपके मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ये देखिए, इसका आपको जो ड्राइविंग टेस्ट यानी ड्राइविंग रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे चला के देखिएगा कैसा लगता है, क्या लगता है, ऑनेस्टली आपको बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो न्यू ए चैनल में लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो गाइस, गाड़ी ये है, टॉप मॉडल है, SX ऑप्शनल कनेक्ट, जो कि टॉप मॉडल रेंजर खाकी कलर में है। इसको आज हम चला के आप लोगों को बताएगा क्या कुछ लगेगा गाड़ी का एक्सपीरियंस। गाड़ी अभी थोड़ा गंदा लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है, रख रख के गाड़ी गंदा हो जाता है। ओके गाइस, तो चला के देखते हैं गाड़ी को। अभी सबसे पहले इंजन स्टार्ट करता है और सीट बेल्ट लगा लूँ थोड़ा। सीट बेल्ट हमेशा लगाइए। इस गाड़ी का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, डिटेल में रिव्यू चाहिए, तो मेरा चैनल में मिलेगा, आप जाके एक बार देख लीजिए। तो एसी ऑन है, थोड़ा एसी का नॉइस होगा। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ पे चला के देखिएगा गाड़ी। कंफर्ट काफी कंफर्टेबल लग रहा है चलाने में, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसमें आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट के गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा एक बार रैपिंग करके देखते हैं गाड़ी को भगा के। स्पीड ये देखिए, अभी हम कैसे स्पीड लग रहा है, 48। बहुत जल्दी गाड़ी आपका 50 प्लस उड़ जाते। तो फ्रेंड्स, गियर जो है इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने जा रहा है। उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंट्रोल्स वगैरह आपको स्टीयरिंग व्हील में मिल जाएगा, ताकि आपका ड्राइव और भी आसान हो जाएगा। साथ में सबसे बड़ा चीज़ सेफ्टी फीचर्स, जो आपको मेरा चैनल में जाके मिल जाएगा इसमें गाड़ी में, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा बात आपको सनरूफ मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिक सनरूफ। इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी अभी तक सनरूफ दिया नहीं है, लेकिन अभी टाटा जो है, टाटा पंच ने भी सनरूफ लेके आ गया है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कुछ चीज़ कमी है, जैसे सिलेंडर, 3 सिलेंडर इंजन वगैरह। तो थोड़ा ये जगह राउंड मार के देखिएगा। ये गाड़ी का रिव्यू तो हम मेरे चैनल में बहुत दिया है इसका, और इसमें ये जो टॉप मॉडल है, इसे नीचे वाला एक वेरिएंट है SX, उसका भी हम बनाया हुआ है। तो इस टॉप वाला वेरिएंट का हम चला के कभी नहीं देखा था। नॉर्मली आपको ये गाड़ी सिटी में आप चलाइए या थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग में लेके जाइए, आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है रास्ता में, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और माइलेज भी अच्छा है, गाड़ी भारी है, आपको कोई बॉडी साउंड नहीं मिलेगा ऑफ रोडिंग में भी। हुंडई गाड़ी अपना बिल्ड क्वालिटी से जाना जाता है। टर्निंग रेडियस भी मुझे अच्छा लगा। तो गाइस, रोड कंडीशन, जो पार्किंग, आप इस गाड़ी में ना आपको कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है। एक तो हुंडई आपको 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर अंडर आपको वारंटी फ्री देता है। आप उसको एक्सटेंड अप टू 7 ईयर्स तक कर सकते हैं, तो आप कंप्लीट पीस ऑफ माइंड होने वाला है। और गाड़ी तो अपना हिसाब में आपको फीचर वाइज कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और प्राइस का अगर हम बात करेंगे, तो प्राइस आप स्क्रीन में एक बार चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए, ऊपर लिख के दे देगा। सो गाइस, कैसा लगा मेरा ड्राइविंग रिव्यू? आपको इतना अच्छा से डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि हम सिर्फ जस्ट चला के जो हम फील कर रहे हैं, हिल स्टार्ट असिस्ट कैसे काम करता है, पावर क्या है गाड़ी का, और चलाने में क्या कंफर्ट है, सस्पेंशन क्या आराम दे रहा है, वो चीज़ हम यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।